बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उबैद भट्टी और आपके खिदमत में एक बार फिर से नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं हमारे मेरे सीनियर हैं लेकिन बड़े मोतबर नाम हैं और उन्होंने उस पर जो है ना वो ख़बर बना के अपने व्लॉग चला दी हैं। उसके अलावा जो है और बहुत सारी जगह पर यह खबर फैला दी है, तो सोशल मीडिया पर उससे मुतल्लिक कुछ ग्राफिक्स बन के वो भी शेयर हो रहे हैं। उसमें लोग जो है वो ये कुछ खुश हो रहे हैं कि जी ईद के बाद जो है ना वो तालिबान जो है ना भारत पे हमला कर देंगे, गजवा हिंद शुरू हो जाएगा और ये जो है ना मामलात बड़े फिट हो जाएंगे इस साइड के। और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब दूसरा एक जो व्यू आया है सामने कि जियो एक्सप्रेस वगैरह ने उस पर खबर लगाई है कि जी तालिबान का बयान आया है, किसी ए जी नामी न्यूज़ वेबसाइट है उसको इंटरव्यू दिया है। इनके वो सतंगजई साहब हैं, एक नायब जो हैं कतर में, जब इनका हुआ ना सारा जो मुआहदा हुआ था उसमें इनकी वो लीड कर रहे थे, तो उनका बयान उनसे एसोसिएटेड है कि जी भारत जो है वो गद्दारों को जो है ना सपोर्ट करता है। तो उन्होंने उसके बाद जो अपना बयान था रेफ़र किया हामिद करज़ई और अब्दुल्ला की तरफ कि ये वो लोग हैं जो पपेट हैं और भारत ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो कौमों के गद्दार होते हैं। तो खैर, एक ये दो बयान इस तरह के ये सामने आए हैं। अब मैंने जब वो ख़बर देखी और वो मैंने वीलॉग देखा साबिर शाकिर भाई का, उसके बाद मुबशर लुकमान साहब ने भी बनाया हुआ है, एक दो और लोगों ने भी इस पर वीलॉग्स बनाए हुए हैं और बड़ी आवाम उसको देख रही है। और एक दफ़ा तो सोशल मीडिया पे यूँ लगा कि बस चंद दिन रह गए हैं, तैयारी कीजिए और जो है गजवा हिंद शुरू होने वाला है और इस दफ़ा तो तालिबान लीड कर रहे हैं। तो उस पर बहुत सारे लोग झुकते लगा रहे थे इमरान खान की गवर्नमेंट को, इसके अलावा अपना पाकिस्तान फ़ौज को भी झुकते लगा रहे थे कि ये काम तो इनका था, कर ये रहे हैं और इस तरह, और बहुत सारे टॉन्ट्स जिसे आप कह सकते हैं बड़े अजीब अंदाज से तनकीदी बातें जो थी वो हुई। तो खैर, मैंने अपने तौर पे जब इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट की कि पहले तो खबर पता लगे कि है क्या, तो मेरे सामने ट्विटर पे एक अकाउंट आया और मैंने वो ट्वीट देखी थी, उसके कई सौ लाइक्स थे उस ट्वीट के जिस पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन करके लिखा हुआ था कि जो भारत है उसके साथ कश्मीर की आज़ादी तक जो है कोई संबंध या कोई मतलब ताल्लुकात नहीं रह सकते, क्योंकि जो मुसलमान मुसलमान का भाई होता है और इस वजह से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, तो अब जो तालिबान है अफगानिस्तान के वो उनके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे या किसी किस्म का कोई उनके साथ नहीं होगा और जंग होगी और गजवा हिंद किया जाएगा। खैर, मैंने वो अकाउंट खोला, 5-6 हज़ार उसके वो फॉलोअर्स हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, मैं तो एक बड़े अरसे से एक अकाउंट फॉलो कर रहा हूँ, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का एक अकाउंट था, तो उसके तो 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उस पर लिखा हुआ ऑफिशियल है, लेकिन इस पर भी ऑफिशियल लिखा हुआ था, हैंडल थोड़ा सा इसका चेंज है और ज़बीउल्लाह साहब का अकाउंट था और जो इसको उन्होंने शेयर किया हुआ। और उसके बाद सतंगजई साहब हैं, उन्होंने इस पर मज़ीद एक ट्वीट लिखी हुई और वो उनका जो अकाउंट मैंने चेक किया तो वो भी फेक अकाउंट निकला। कुछ ही देर बाद मैंने ज़बीउल्लाह साहब का जो अकाउंट है वो चेक किया तो उस पर भी उन्होंने वजाहत जारी की हुई थी मीडिया के लोगों के लिए खास तौर पर कि कोई भी खबर इस बुनियाद पर ना बनाई जाए। इसमें जो दो स्क्रीन शॉट उन्होंने दिया उसमें दोनों अकाउंट्स थे, ट्वीट और उसके ऊपर जो कमेंट के साथ रीट्वीट हुआ था सतंगजई साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये दोनों अकाउंट जो है ये गलत है। तो उन्होंने सोशल मीडिया के जो मुजाहिदीन हमारे जैज़ ज़मान हामिद साहब जैसे हैं, साबिर शाकिर भाई हो गए और इस तरह के और सारे लोग, इनके अरमानों पे ओस डाल दी कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब उन्होंने साफ साफ तरदीद कर दी कि ये जो बयान इससे वायरल हो रहा है इसका कोई मतलब सर पैर नहीं है, कोई ये अथेंटिक नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही। इसके अलावा जो भारत से मुतल्लिक जो इंटरव्यू चल रहा है सतंगजई साहब का, उसके बारे में मैंने मज़ीद जब रिसर्च करने की कोशिश की तो वो जो एजी नमी न्यूज़ वेबसाइट है उसका भी मुझे कोई जो है सोर्स नहीं मिला कहीं से कि कहाँ वो एग्जिस्ट करती है, कौन सी है। मैंने इनके ट्विटर अकाउंट्स कंघाले, काफ़ी सारे मुख्तलिफ लोग जो अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उन लोगों को भी मैंने चेक किया तो उन्होंने भी जो चीज़ें शेयर की हुई थी उनमें ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं था कि जिसमें सतंगजई साहब ने इंटरव्यू देते हुए उस वेबसाइट को भारत के बारे में इस तरह की बात की हो। तो ये जो पाकिस्तानी ख़ासतौर पर अखबार चैनल्स वेबसाइट्स हैं तो ये भी वैसे ही कोट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि जो भारत की जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ नेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया और इस तरह की जो है, उन्होंने भी ये खबर लगाई हुई और कोट उन्होंने भी यही किया हुआ है कि एजी न्यूज़ जो है इसके साथ उन्होंने बात करते हुए ये बात की और भारत जो है इसको काफ़ी लैश आउट किया है। तो मैंने मीडिया के अपने एक दोस्त हैं फरहान खान साहब, उनको भी मैंने रब्ता किया, उनसे पूछा कि अगर आपकी नज़र से ऐसी कोई खबर गुजरी हो या कोई ऐसा अकाउंट या कोई ऐसी चीज़ या इस वेबसाइट के बारे में कुछ पता हो तो मुझे इस बारे में आगाह कीजिए। उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च की और उसके बाद उनका जवाब भी यही था कि जी ऐसी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर रही और एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी मीडिया जो जियो न्यूज़ हो गया, एक्सप्रेस वगैरह और बाकी सारे के, पता नहीं उन्होंने एक ट्रेंड बना दिया कि नाम लेते हुए पता नहीं क्या हो जाएगा कि वो कितनी खुफिया चीज़ है या क्या है। हालांकि साफ लिखे हैं आपके जी फलान न्यूज़ है, उसका लिंक भी देना कि इसको इंटरव्यू दिया और ये असल जो सोर्स है, जो माखज़ है वो ये है, जैसे इंटरनेशनल मीडिया करता है कि वो किसी भी चीज़ को कोट करता है तो उसका पूरा लिंक, पूरा सबूत एक नीचे मौजूद होता है। तो पाकिस्तान में जो रिपोर्टिंग का हमारा ये तरीक़ेकार है इसको फॉलो तो खैर किया नहीं जाता,
तो इस तरह फिर खबरें फैलाई जाती हैं तो आवाम के अंदर तबकात बन जाते हैं, मुखालफत करने वाला मुखालफत करता है, टॉन्ट्स करता है, जुगते मारता है, और जो उसके हक में होता है वो अपनी जगह उसका एक झंडा लेके खुशी से लहरा रहा होता है और उसके हामी जो होते हैं मिलजुल के हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं। तो अब लोगों को जब ये इस हकीकत का इल्म होगा ईद के बाद, क्योंकि जिन्होंने ये सोच लिया है कि ईद के बाद गज़वा हिंद होने जा रहा है, अब वो इस बात पे कायम रहेंगे। आप देख लीजिएगा कि वो हर बंदे को कायल करेंगे, नहीं नहीं खबर में आया था, ऐसा हुआ था, तालिबान ने कहा है, और उनसे आप सोर्स पूछेंगे तो वो सोर्स आपको दे भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो यकीन इनका कायम रहेगा। जो दूसरे वाले हैं उनका अपनी जगह यकीन कायम रहेगा कि कुछ भी हो ही नहीं सकता, कि ना तालिबान कुछ कर सकते हैं, ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ना फौज कुछ कर सकती है, ये तो कश्मीर का जो मामला है वो तो बड़ा डामाडोल सा है और इसका पता कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया, तो एक बैनी है ये बनाया गया चल रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपसे अपनी वीडियो में एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी खबर आपके पास आती है वो किसी से भी मुतल्लिक हो, तो ख़बर को परखने के कुछ असूल होते हैं, वो बड़े आसान और सादा से असूल हैं, वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। क्या जब आप उस पर लिखेंगे ना कि ख़बर की जो अथेंटिसिटी है या उसकी सनद कैसे चेक की जाए, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, रोमन में लिखें, आपको कुछ ना कुछ नीचे मटेरियल मिलेगा, नोट्स होंगे, उस पर तस्वीर होंगी, कुछ तरीके लिखे हुए होंगे कि खबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी और मुस्तकबिल में ये चीज़ आपके काम आएगी कि आपके पास मुकम्मल मुस्तनद जो है वो मालूमात पहुँचेंगी। जिस तरह कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने यही कहा कि जब आपके पास वो खबर आती है तो ये देख लिया करो कि खबर देने वाला क्या है और खबर क्या है। इसमें एक अहम बात और ये है कि आखिरी हरबे के तौर पर मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ कि शायद ये जो खबर है इसका सोर्स कहीं से निकला है और ये दुरुस्त साबित हो जाए। तो मेरे दोस्त फरहान खान साहब जो हैं उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया, वो तारिक साहब हैं, एक अफगानिस्तान के इनके तालिबान से रेलिवेंट ही हैं, कोई मीडिया मैनेजमेंट का कोई काम है उनका या इस तरह की कोई इनके साथ एसोसिएशन है। उन्होंने बाकायदा वो जो ग्राफिक वायरल हुआ हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि ईद के बाद गज़वा हिंद होने जा रहा है, भारत की ऐसी की तैसी, अब तालिबान ऐसी तैसी कर देंगे, उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि ये NDS का जो है प्रेपोगंडा है। तो मेरा ये फिर इस पर सवाल बनता है कि NDS का अगर प्रेपोगंडा है तो उसको फैलाने में फिर हम पाकिस्तानी भी शरीक हो रहे हैं कि इस क्रूशियल सिचुएशन में जब कश्मीर के हालात ख़राब हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के अपने मामलात अंदरूनी ख़राब हैं, भारत के साथ टेंशन चल रही है, तो भारत को इस तरह का पैगाम देना, उनका मीडिया जो है वो भाग के इस तरह की चीज़ उठाता है, वो तो मुसलमानों के भी बहुत ख़िलाफ़ है। इसके अलावा वो अफगानिस्तान में भी यही चाहता है कि करज़ई और अब्दुल्ला की हुकूमत रहे, तालिबान के वो वैसे ख़िलाफ़ है, उन्हें पता है कि उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफ है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है उनके हक में जो है मौजूदा अफगान गवर्नमेंट नहीं है, इसके मुकाबले में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो प्रो पाकिस्तानी होती है, तो ये सारी चीज़ों को ये चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है इस क्रूशल टाइम के अंदर। तो ये सोचें इसका फ़ायदा किसको हो सकता है, इसका नुकसान किसको हो सकता है, अकल और होश के साथ मामला जो हैं उनको देखा करें, फिर उसके बाद उनको आगे फैलाया करें, मुस्तनद बात जो है वही आगे जानी चाहिए, क्योंकि जो गलतफहमी पैदा होती है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है और ना ही जो हमारे मुखालफीन होते हैं उनके लिए भी ठीक होती है। तो मैं आपसे ये फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी जो चीज़ें होती हैं, जो मालूमात होती हैं, उनको क्रॉस चेक कर लिया करें, उनकी अथेंटिसिटी जो है, उनकी सनद जो है उसको चेक कर लिया करें। तो आखिर में मैं गुजारिश करूंगा साबिर शाकिर भाई से कि भाई अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ आप इस तरह से ना करें, आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा हिजान में मुबतला है, मुल्क के अंदर जो हालात वाक़ियात मामलात हैं वो आपके भी सामने हैं, आवाम बटी हुई है, कोई सियासी ग्रोह में, कोई मजहबी में, कोई फ़िरके में, कोई किसी चीज़ में, तो ये सारे मामला जो हैं इन सब के लिए एक यूनिटी की ज़रूरत है कि ये कौम एक कौम की तरह बिहेव करे और इस क्रूशल जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वाली या इसके अलावा दीगर मजहबी मामला पे छोटे मोटे इश्यूज़ बनते रहते हैं तो लोग इसमें जुड़ के रहें और किसी किस्म का हिजान पैदा ना हो। तो सोशल मीडिया सार्फिन को भी गुजारिश है कि आप भी अपनी खुशियाँ ठीक है आप अपनी जगह है, हमारी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक कश्मीर को आज़ाद करे और बाकी जो हमारे खत्ते के दूसरे ममालिक हैं उनके हालात जो हैं वो बेहतर करें ताकि हमारे हक में भी वो बेहतर हो, क्योंकि हमारे मुल्क में भी अमन होगा, हमारे बॉर्डर्स पर अक्सर मसले मसाइल रहते हैं, मुल्क के अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं वो ठीक होंगे तो मुल्क हमारा भी जो है तरक्की कर सकेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। उबैद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।